नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दर्शा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो आज फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर 26 तारीख को रिलीज़ किया गया है। दोस्तों 26 तारीख को बाहर होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, परंतु आज मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ सत्र 2021-22 मुख्य परीक्षा दिनांक 5-5 से प्रारंभ हो रही है। तो हम आपको बता दूँ, जैसा आप सभी को बताया कि आपकी मुख्य वार्षिक परीक्षा प्राइवेट रेगुलर बैक पेपर की जो है वो 5 तारीख से शुरू हो रही है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक मुख्य अपडेट जो है वो दिया गया है। आज इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों इस नोट्स के अनुसार आपको जो अपना सब्जेक्ट कोड है वो अपने चेक कर लेने हैं, यानी कि आपने सब्जेक्ट कोड भरे हैं और विश्वविद्यालय जिन सब्जेक्ट कोड की परीक्षा कराएगा वे सेम है या फिर नहीं है। अगर वे सेम नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा, और अगर आपके सेम है तो फिर आपको क्या करना है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। इस नोटिस के बाद आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा जिस प्रकार से आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट सेम है या फिर नहीं है। तो चले करो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जैसा आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की जो मुख्य परीक्षा 5-5 से प्रारंभ हो रही है और जिनका जो परीक्षा कार्यक्रम है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है 21 तारीख में। जिन लोगों को भी वेबसाइट से डेट शीट नहीं मिली है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डेट शीट नहीं मिली है, वो टेलीग्राम पर जाकर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने उसको सेंड कर दिया है। तो अब आगे की बात, जो मेन मुख्य बात यहाँ पर दी गई है वो ये दी गई है, उक्त परीक्षाओं के परीक्षा प्रवेश पत्र शीघ्र ही निर्गत कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात भी आपकी की गई है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी जल्द यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तथा समस्त महाविद्यालय व छात्रों से अनुरोध है कि भरे गए परीक्षा फार्म तथा प्रवेश पत्र अंक तालिका विषय कोड व प्रश्न पत्रों का नाम व मिलान विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.incsuindex.php पर उपलब्ध स्टूडेंट कोड बुक मेन एग्जाम 2021 से कर लें। तथा यह यदि कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो परीक्षा से पूर्व ही विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में संपर्क कर सुधार करना सुनिश्चित करें। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात किसी कोड की परीक्षा पर किसी प्रकार का एडिशनल डिटेक्शन अट्रैक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस पर आप ध्यान रखिए कि आपका कोई भी वाद विवाद बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई समस्या है, आपका सब्जेक्ट गलत आता है, आपने गलत भर दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया और उसके बाद आपकी जो डेट शीट है वो, यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाती है डेट शीट के अकॉर्डिंग, तो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को मौका दिया जाता है कि आप उसको चेक करें, कोई समस्या है तो उसको विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर पर अवगत कराएं। तो अब चलिए चलते हैं वेबसाइट पर कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और वेबसाइट पर कैसे आना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक दिया गया था ccsuniversity.ac.in/inbox/php.has, तो इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। बात है दोस्तों सब्जेक्ट कोड बुक कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट पर अगर हम ऐसे नीचे जाएं हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर 5-6 जो है वो ऑरेंज कलर की लाइन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर आना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि डाउनलोड जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऊपर ही दिखा गया है सब्जेक्ट कोड बुक मेन एग्जाम 2021-22, और इसकी अगर पोस्टेड डेट की बात करें तो 11/3/2022 को पोस्ट किया गया था। और दोस्तों एक बात और बताऊं, अगर आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन एंड उसमें देखना चाहते हैं तो 11 तारीख का जो अपलोड हुआ था नोटिस उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप भी एक बार अपने वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए, शायद आपके वहाँ भी डाउनलोड में होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पर जैसे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कोड मेन एग्ज़ाम 2021-22, आपको इस पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। इस पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ जो है वो ओपन
हो गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है 10/3/2022 को रिलीज़ किया गया 14 चरण विश्वविद्यालय से। और विषय अगर बात करें कि क्या है इसका मेन टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2022/17/2021-22 के हेतु विषय कोड पुस्तिका के संबंध में। और यहाँ पर मोटा मोटा लिखा गया है कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि 17/2021-22 यदि कोई संशोधन हो तो उपरोक्त विभाग में संशोधन करने का कष्ट करें। यदि उक्त में आपसे अनुरोध है कि संदर्भित परीक्षा कोड में उपरोक्त वेबसाइट पर डाउनलोड पर माध्यम मिक तथा संस्थान के अध्ययन से संबंधित छात्र छात्रों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि एनईपी 2022 के संबंधित पाठ्यक्रम बीएबी कॉम इसमें शामिल नहीं है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए, मैंने बताया था कि बीएससी जो बीकॉम एनईपी का सब्जेक्ट है उनके लिए नहीं है, अन्यथा जो वार्षिक परीक्षाएं के परीक्षा है उनके लिए यहाँ पर है। साथ में देखें यहाँ पर कोड बुक जो है पूरी जारी की गई है। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे। देखें यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन कोड लिस्ट एनईपी 2020 के अंदर संबंधित पाठ्यक्रम को छोड़कर, यहाँ पर दोबारा से ये मेंशन किया गया कि एनईपी वालों के लिए नहीं है बल्कि अन्य सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ आर्ट सॉलिड पॉइंट्स ऑफ बीए स्टूडेंट, और तो यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और सब्जेक्ट नेम एग्जामिनेशन की बात की गई, यहाँ पर कोड इसका दिया गया है 01020910-22 ऐसा कुछ करके यहाँ पर दिया गया है। पेज नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर इंडेक्स जो है पूरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक नंबर पेज से शुरू हो गया है और यहाँ पर आपके जो है सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं अपना कोड देख सकते हैं, कोड में किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर सभी डिटेल जो है वो दी गई है। दोस्तों वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, अन्यथा आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर तसल्ली में आप इसको बैठकर जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेपर नेम दिया गया, पेपर कोड दिया गया और मार्क्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है उस पर आपके सब्जेक्ट हैं वे इसमें सब्जेक्ट हैं या नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो उनकी परीक्षा नहीं होगी, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।